तीसरे अध्याय में कर्म का महात्म्य, कर्म की अनिवार्यता, कर्म की विधि और फिर इस कर्मयोग को करने में जो वैरी है, राग द्वेष, और उसका जो मूल जड़ रूप है वह काम, और उस काम से फिर कैसे पार पाना, ऐसा सारा विवेचन तीसरे अध्याय में अपने को मिलता है। कर्म के बिना रह नहीं सकते। अर्जुन पूछ रहा है कि जब ज्ञान ही कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर कर्म में क्यों धक्का दे रहे हो। यहां से तीसरा अध्याय शुरू होता है और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। एक प्रकार के लोगों के लिए ज्ञान निष्ठा होती है और दूसरे प्रकार के लोगों के लिए कर्मयोग की निष्ठा होती है, या आपके प्रकृति गुण सम्मूढ़ा इस प्रकार का जो आपका स्वभाव है उसके अनुसार ही आपको चयन करना है कि ज्ञान योग की निष्ठा या कर्मयोग की निष्ठा। लेकिन चाहे जिनमें से जो भी निष्ठा का आपका स्वभाव और जिस भी निष्ठा से आप साधन करो, जीवन यापन करो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई उदाहरण दिए। पहला तो उन्होंने कहा कि कर्म तो बिना कर्म के तो एक क्षण भी रह नहीं सकते। कर्म तो चलता ही रहेगा, निरंतर चलता है, 24 घंटे लगता है चलता है। इसलिए तुम यदि नहीं भी करोगे तो भी कर्म होगा, यदि तुम नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे वह कर्म करवाएगी, अवश्य कर्म होगा। विवश होकर के, प्रकृति के वशीभूत होकर के, अपने गुण स्वभाव के अनुसार तुम्हारा मन विचार करेगा, तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, इंद्रिया काम करेगी, और वो काम तो कर्म तो चलेगा ही। यदि तुम तय करके कर्म नहीं करोगे तो भी ये होगा, इसलिए तय करके कर्म करो, क्योंकि शरीर यात्रा के लिए भी कर्म आवश्यक है। इसलिए दैनिक कर्म, नित्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। शरीर को धारण करने के लिए श्वास तो लेना ही पड़ेगा, तो कर्म तो चलेगा। यह कर्म की अनिवार्यता बताने के बाद कर्म करने के तीन प्रकार बताए। पहले कहा कि नियतम कर्म करो, जो तय किया गया कर्म है वो करो, जो शास्त्र विहित कर्म है वो करो, जो बताया गया कि करना ही चाहिए उसको करो ध्यान से। पहला तो ये बताया, नियतम कुरु कर्मत्वम, इसलिए वो बताया। दूसरा, नियतम कुरु कर्म का यह अर्थ हमने बताया कि जो अपना स्वभाव है, जो अपना स्वधर्म है, आगे चल करके तीसरे अध्याय में उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने शब्द का प्रयोग किया, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मर जाओ करते करते तो भी चलेगा, लेकिन परधर्म मत करो, भले ही स्वनुष्ठितात् सुअनुष्ठितात्, बहुत अच्छी तरह से तुम उसको कर पा रहे हो, प्रवीण हो गए हो, उसको सीख लिया है, उसमें अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया, उसमें अपना समय मन और न जाने क्या क्या पैसा शक्ति सब कुछ इन्वेस्ट किया है, श्रम शक्ति पैसा समय सब इन्वेस्ट किया है, और इसलिए अब ये परधर्म मुझे बहुत अच्छी तरह से आने लगा, इसलिए अब मैं इसी को करता रहूं। हम कई बार अपने जीवन में पता चलने के बाद बार बार पता चलता है कि ये मेरा स्वधर्म नहीं है, फिर भी परधर्म में चिपके रहते हैं। इसका एक कारण यही होता है कि हम इन सारी बातों को लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और मैंने इतना सब कुछ लगा दिया है, मेरे परिवार ने लगाया है, मेरे साथ वालों ने लगाया, अब मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तो नियतम कर्म का अर्थ है स्वधर्म कर्म करो, अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। और उसको आगे चल करके बुद्धिभेद का विवेचन करते समय उस प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। गुण कर्म विभाग यो हो, प्रकृति काम करती है, हमारे जो 24 तत्व है जो सत्व रजतम इन तीन गुणों के द्वारा संचालित तो होते हैं, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और अंतकरण चतुष्टय के चार, मन बुद्धि चित्त अहम, ये 20 और 4 24, ये हमारे 24 तत्व जो है ये प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, सत्व रजतम के अनुसार। रज होंगे तो ये कर्म करेंगे, अनवेक्ष च पौरुषम करेंगे, मोह में पड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, सब करेंगे, और तामसिक होंगे तो आलस में पड़े रहेंगे या विकर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, या संतुलित होंगे, सम्यक होंगे तो व्यवस्थित ऊर्जा का उपयोग करके ढंग से प्रकाशवान कर्म करेंगे, दूसरों को भी अच्छी तरह से प्रकाशित करने वाला ऐसे सत्व कर्म करेंगे। गुण कर्म विभाग यो हो, ये चलेगा। यदि अध्यात्म चेता नहीं हुए तो प्रकृति चेता स्वधर्म चलेगा, स्वभाव कर्म चलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम ज्ञानी हो गए तो दूसरों को उससे मत हटाओ, क्योंकि कम से कम वो प्रकृति के अनुसार कर्म तो कर रहे हैं। कर्म नहीं करना बहुत ही बेकार, क्योंकि तब वो अवश्य कर्म होगा। इसलिए वो जानबूझ करके यदि कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कल किसी
मित्र से बात हो रही थी जो बीच में हम सबके बीच में जहाँ स्वाध्याय में जोधपुर से आए थे, उनकी माता जी से भी बात हो रही थी। तो बात चलते चलते बात आई कि काल सर्प योग के बारे में चर्चा हुई। तो मैंने कहा ये तो अभी एक नया शगुफा निकला है, पिछले कुछ दशकों में ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में तो इसका कोई काल सर्प योग का कोई विधान मिलता नहीं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से यह चल पड़ा। साधारणतः 100 वर्ष पूर्व के कुछ लेखकों के इसमें इसका नाम आदि मिलता है, लेकिन 30-35 वर्ष पूर्व इसकी दुकानदारी शुरू हुई, और सबसे ज़्यादा अभी 10-12 साल पहले, 15 साल पहले बहुत बड़े प्रमाण में इसका सारा प्रचलन हुआ और काल सर्पयोग बड़ा फेमस हो गया। जिस व्यक्ति की पुस्तक ने इस काल सर्पयोग को फेमस किया, जोधपुर में जब मैं था तब उनके साथ में संबंध हुआ था और संपर्क हुआ था, और उनसे बड़ा दीर्घ शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ नहीं कह सकते, वितंडवाद था वो, ऐसा प्रचंड वितंडवाद उनके साथ में मेरा हुआ था। वो तंत्र के बहुत अच्छे ज्ञाता है, बहुत सारी किताबें लिखी है, विश्व में विख्यात है, उनकी बहुत सारी किताबें विश्व में हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, नेपाल आदि से लोग उनके पास आते हैं। जिस समय मेरा उनसे विवाद हुआ उस समय उनके बहुत सारे शिष्य उनके साथ में बैठे थे, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान थे कि मैं उनको इस प्रकार से चुनौती दे रहा हूँ। उनकी पुस्तकों से ये काल सर्प योग चला, वो काल सर्प योग का प्रकरण चला। तो मैंने कहा कि काल सर्प योग के बारे में ऐसी बात हुई, मैंने कहा ये सब फालतू होते हैं और इसकी कोई शांति वांति नहीं करो तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो वो प्रदीप की माता जी मेरे को पूछते हैं, फिर तुमने प्रदीप को क्यों नासिक जाने दिया, फिर वहाँ जाकर के क्यों उसको काल सर्प योग की शांति करने दी, क्यों पैसा खर्च करने दिया। मैंने कहा मैं ऐसे 10 नाम बता सकता हूँ कि जिनको काल सर्प योग है, जिन्होंने कोई शांति नहीं की, और आज वो जाने माने नाम है, लता मंगेशकर के कुंडली में काल सर्प योग है, उन्होंने कोई शांति नहीं की, वो लता मंगेशकर है आज। काल सर्प योग के कारण शादीवादी नहीं हुई उनकी, वो अलग बात है, लेकिन बाकी तो लता मंगेशकर के जीवन में अपने स्वधर्म पालन में कोई कमी नहीं है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प योग है, अब सचिन तेंदुलकर से बेहतर कोई हो सकता है क्या? यदि काल सर्प योग किसी का नुकसान कर रहा होता बिना शांति किए और बिना उस पंडित को पैसा दिए उसके पार नहीं पाया जा सकता, तो तेंदुलकर का क्या हो जाता बेचारे। इसलिए ये सोचने की बात है। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, फिर तुमने प्रदीप को जाने क्यों दिया नासिक, नागपुर से ही तो नासिक गया था वो, और यहीं से जाकर के तो उसने और वो सब किया, जब आप कह रहे हो कि काल सर्प योग में कुछ है ही नहीं तो आपने जाने क्यों दिया। उसकी माँ का प्रश्न बिल्कुल सही था। मैंने उनको कहा कि ये तो मन का वहम है, मन के वहम का उपाय ज्ञान से नहीं हो सकता, मन के वहम का उपाय अपने अपने लिए होता है, उस वहम को दूर करने के लिए उसका जाना जरूरी था। ये बुद्धि भेदम जने कर्म कर रहे हो, कम से कम अच्छा कर्म तो किया, वहां जाकर के नासिक में ठंडे पानी में नहाए तो, पूजा तो की, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन तो किए, काल सर्प के बहाने ही कर लिए, चलो इसी बहाने कर लिए, नहीं तो करते ही नहीं, तो कुछ तो अच्छा काम हुआ अपने वहम के चक्कर में। तो इसलिए प्रकृति जो स्वभाव है उसके अनुसार मनुष्य कर्म करता है, तो उससे भी उसका कुछ ना कुछ तो भला होता ही रहेगा। जब ज्ञान हो जाएगा तब ये बाह्य आडंबर वो छोड़ देगा और वास्तविक स्वधर्म को अध्यात्म चेता होने के बाद स्वधर्म का पालन करने लगेगा। जब तक अध्यात्म चेता नहीं हुआ है तब तक वो स्वभावज कर्म, प्रकृति से उत्पन्न स्वभावज कर्म करता रहे तो भी अपने आप में बुरी बात नहीं। इसलिए शास्त्र विहित कर्म करना, बिना जाने भी करो तो चलेगा, स्वधर्म कर्म करना, नियत कर्म करना, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ कर्म करना, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञ के लिए किया जा कर्म ही मुक्त करता है, बाकी सारे कर्म तुमको बांधेंगे, चित्त शुद्धि नहीं होगी। इसलिए यज्ञ की अत्यंत सुंदर परिभाषा तीसरे अध्याय में हमने देखी किस प्रकार यज्ञ काम करता है। तो जो प्रकृति में चक्र चल रहा है, जीवन का चक्र, यहाँ एक चक्र का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि अन्न से प्राणी मात्र जीवंत रहते हैं और अन्न जो है वो वरुण देवता से यानी परजन्य से, बारिश से, वर्षा से अन्न होता है, फिर वर्षा के पीछे जो सारा तंत्र है, करते 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 वो ब्रह्म ब्रह्म अक्षर और ऐसे करते करते वो पूरा चक्र है, सारी सृष्टि काम करती है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य बड़ा सुंदर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्मयोग पर प्रवचन में, उनका कर्मयोग पुस्तक में आता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब तक सारी सृष्टि त्याग नहीं करती तब तक एक घास का तिनका भी नहीं उग सकता। एक तृण पाते को उगने के लिए सारी सृष्टि को कर्म करना पड़ता है, सारी सृष्टि उसमें लगती है, सूर्य तपता है तब पानी नदी से वाप बनता है, वायु उसको बहा करके ले जाता है, पर्वत पेड़ आदि उसको रोकते हैं तब वर्षा होती है,
तब वो धरती में डूबा हुआ जो बीज है, वो बीज अपने कठोर कवच का त्याग करता है, धरती उसको पोषित करती है, तब जाकर के घास का एक पत्ता उगता है। सारी सृष्टि के जुड़े हुए तत्व को बताने के लिए वो कहते हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण ने जीवन चक्र को कहा कि ये चक्र यज्ञ का चक्र है, क्योंकि ये त्याग पर आधारित है। सारी प्रकृति सदैव देने का ही काम करती है, इसलिए आप अपने जीवन में जब तक ये नहीं करते हो, तब तक आपके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही जीवन है जो जीवन यज्ञ कर्म करने में बीतता है, अन्यथा तो वह पाप भक्षण करता है। बिना त्याग के किया गया भोग तो चोरी है। तेन एव सह भुंजते ते त्वघम पापा, अपना ही पाप खाता है वो, इस प्रकार का। और आगे चल करके उसके लिए शब्द दे दिया ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में यज्ञ नहीं करते और केवल मैं संकुचित रहते हैं और दिन के 24 घंटे अपने से परे एक क्षण के लिए भी किसी के लिए नहीं सोचते, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए शब्द दे दिया अघायु इंद्रिया रामो। पाप में समय को व्यतीत करने वाले, आयु का मतलब होता है समय को व्यतीत करना, टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना, ये हम अपने जीवन में करते रहते हैं। 24 घंटे बिता दिए हमने, 24 घंटे व्यय कर दिए, तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा अघायु, ऐसी आयु जो है, ऐसा समय व्यतीत करना अघ आयु है, पाप की आयु है। और उनके लिए नाम दिया भगवान श्री कृष्ण ने, बड़ा सुंदर विशेषण दिया, अघायु इंद्रिया रामो। ये इंद्रिय राम है, इंद्रियों में खेलने वाले, इंद्रियों में रमने वाले, ये इंद्रिय राम है। मोघम पार्थ सजीवती, अरे उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, इतना यज्ञ का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो तीसरा कहा यज्ञ कर्म, हमने उसको समाज के आधार पर समझने का भी प्रयत्न किया था, कैसे पंच महायज्ञ हमारे जीवन में आते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि के संबंध के रूप में यज्ञ को हमने समझा था कि व्यष्टि समष्टि में से उसका जन्म हुआ, व्यक्ति का जन्म परिवार में से हुआ, परिवार का जन्म समाज में से हुआ, समाज का जन्म राष्ट्र में से हुआ, यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई का जन्म हुआ है। व्यष्टि समष्टि में से पैदा हुई और उस व्यष्टि का पालन पोषण, उसको बड़ा करने का काम समष्टि ने किया। परिवार ने व्यक्ति को पोसा, समाज परिवार को देता है, इसीलिए परिवार बड़ा होता है। ये बड़ी इकाई छोटे इकाई का पोषण करती है, इस पोषण को कहा योगक्षेम। समष्टि से व्यष्टि को योगक्षेम प्राप्त हुआ, उस योगक्षेम से व्यष्टि क्षमतावान बनी और क्षमतावान बनने के बाद उसने कर्म करना शुरू किया। जब वो कर्म करेगा तो वो कर्म समाज में ही करेगा, समष्टि में ही करेगा, किसी दूसरे के प्रति ही कर्म करेगा, तो इसलिए वह अपना कर्म समष्टि को वापस देता है। समष्टि ने व्यष्टि को योगक्षेम दिया, व्यष्टि ने समष्टि को कर्म दिया, उस कर्म के बदले में उसको कर्म फल मिल गया, सैलरी मिलेगी, व्यवसाय करेगा तो उसको मुनाफा मिलेगा, या किसी ना किसी रूप में पद प्रतिष्ठा प्रेम के रूप में, पैसे के रूप में, किसी ना किसी प्रकार से उसको ये प्रतिफल मिल ही जाएगा। तो अब आप देखिए, समष्टि से व्यष्टि को योगक्षेम मिला, व्यष्टि से समष्टि को कर्म मिला और समष्टि से फिर कर्म फल मिल गया, तो अब कर्जा किसके सिर पर रहा? व्यष्टि के सिर पर कर्जा रहा योगक्षेम का, क्योंकि कर्म और कर्मफल ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कर्म किया उसके बदले में कर्मफल मिल गया, योगक्षेम तो बचा रहेगा। इसे योगक्षेम को समाज को वापस देना, निस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए, बिना कोई वापस लिए, जिसने मुझको दिया है उसको देना नहीं, किसी और को देना, यह जो कर्म है यह यज्ञ कर्म है। इसके लिए अनेक उदाहरण अपन ने देखे, योगक्षेम कर्म कर्मफल यज्ञ, इससे यह अखंड मंडल समष्टि व्यष्टि का अविच्छिन्न अविच्छिन्न चलता रहता है। इसलिए जिस समाज में निरंतर यज्ञ चलता है वही समाज पोषित समाज होता है। जब समाज में से यज्ञ कर्म समाप्त हो जाता है तब समाज गरीब हो जाता है, समाज का दिवाला निकल जाता है, और जब समाज का दिवाला निकल जाता है तब पूरी सृष्टि पर ही बन पड़ती है। ये जितनी पर्यावरण की समस्या है, जितनी आर्थिक समस्या है, जितनी प्रकार की समाज में हम समस्या है, चरित्र के रास की समस्या देख रहे, उसका एकमात्र कारण है हमारे जीवन में से यज्ञ समाप्त हो गया। जो पंच महायज्ञ प्रत्येक के जीवन में प्रत्येक क्षण होने चाहिए, प्रत्येक दिन प्रतिदिन होने चाहिए, ऐसी अपेक्षा शास्त्र ने की थी, वो हमारे जीवन में से समाप्त हो गए। हम अपने बच्चों को, हम अपने बालकों को त्याग करने के लिए सक्षम नहीं कर रहे। भगिनी निवेदिता की एक छोटी सी सुंदर सी पुस्तिका है,
अंग्रेजी में उस पुस्तिका का नाम है एग्रेसिव हिंदुइज्म, आक्रामक हिंदुत्व। यह भगिनी निवेदिता ने खुद दिया हुआ हेडिंग है, बड़ा सुंदर पुस्तक है। कोई एक किसी अंग्रेज लेखक ने टेलीग्राफ में, कलकत्ता के टेलीग्राफ में भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत उटपटांग बातें लिखी थी, उसके उत्तर के रूप में भगिनी निवेदिता ने यह उस समय लिखा हुआ लेखमाला थी जो 3-4 लेखों में छपी, जिसको रामकृष्ण मिशन ने एग्रेसिव हिंदुइज्म नाम से छोटी सी पुस्तिका निकाली, पढ़ने लायक। उसके अंत में वो कहती है, बड़ा सुंदर उसका वाक्य है, वो कहती है प्रत्येक हिंदू अपने संतति को, अपने पुत्र पुत्री को, संतति शब्द का प्रयोग वो करती है, वो कहती है संतति का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, संस्कारों के को सतत चलाने का जो काम करती है वो संतति है। इसलिए प्रत्येक हिंदू चाहता है कि मेरी जो संतति है वो मुझसे अधिक सक्षम हो, अधिक सुयोग्य हो। यह प्रत्येक हिंदू का प्रयत्न होता है। पुत्रात इच्छेत पराजयम, शिष्याद इच्छेत पराजयम, हमारी अगली पीढ़ी हमसे अधिक योग्य हो, इसके लिए हिंदू प्रयत्न करता है। ये भगिनी निवेदिता कह रही है। उसके आगे की बात उसने जो कही वो आंखें खोलने वाली है। वो कहती है अधिक योग्य, अधिक सक्षम का अर्थ है हमसे ज्यादा त्याग करने में क्षमतावान। मैंने अपने जीवन में जितना त्याग किया, मेरी संतति मुझसे अधिक त्याग करने वाली हो। ये गृहस्थ धर्म का उद्देश्य, ये विवाह का उद्देश्य, इसके लिए विवाह करना, संस्कारों की संस्कृति को, संतति को चलाए रखने के लिए और हमसे बेहतर नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए। ये गृहस्थ धर्म का, ये कर्मयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण ये यज्ञ कर्म है त्याग के लिए। लेकिन क्या हम त्याग के लिए अपने बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं? उनके जन्मदिन पर हम उनको त्याग करना सिखाते हैं या भोग करना सिखाते हैं? क्या मिलेगा, क्या उपहार मिलेगा? माता पिता से वो सौदेबाजी करते हैं, जन्मदिन आने के 1 महीना पहले, 2 महीने पहले से शुरू हो जाता है, इस बार मेरे को क्या मिलने वाला है, परीक्षा के बाद में इस बार मुझे क्या मिलने वाला है, कौन मुझे क्या देने वाला है, मेरा मित्र मुझे क्या देने वाला है, मेरी सहेली मुझे क्या देने वाली है। जो मुझे ज्यादा देगा वो मेरा उतना करीब का व्यक्ति। मटेरियलिज्म इससे दूसरा क्या हो सकता है? जब आप भावनाओं को और प्रेम को वस्तुओं में तोलने लग जाते हैं तो वो भौतिकवाद है। और यही हो रहा है आज समाज में। इसलिए यज्ञ कर्म समाप्त हो गया। आज समाज में जितनी समस्या हमको दिखाई देती है उसकी जड़ में यज्ञ कर्म का समाप्त होना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको बड़ा महत्व दिया और अंत में उन्होंने बताया कि इस सारे स्वधर्म कर्म को, यज्ञ कर्म को, नियत कर्म को करने में, शरीर यात्रा के लिए भले ही क्या हुआ हो लेकिन उस कर्म को करने में बाधक क्या है, वैरी क्या है, परिपंथी क्या है, चोर कौन है, कौन चोर तुम्हारे इस साधना मार्ग पर चोरी करेगा, तुमको साधना मार्ग से च्युत करेगा, तुमको लक्ष्य पहुंचने नहीं देगा, कौन है वो? तो राग द्वेष व्यवस्थित। उन्होंने कहा इस सारी प्रक्रिया में ही राग द्वेष पड़ा हुआ है। जो कर्म व्यापाश्रय, जो कर्म व्यापार तुम्हारा चलता है उसमें ये मुझे अच्छा लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दिन में कितनी बार अपने आप को और दूसरों को ये उत्तर देते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है, मन नहीं करता, मन करता है, अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए। सोच करके देखिए अपने कितने कर्मों के पीछे ये कारण, ये प्रेरणा होती है। राग द्वेष व्यवस्थित, भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसमें बैठे ही है, इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, व्यवस्थित उसके अंदर ही बैठे हुए हैं इस सारे कर्म व्यापार में। इसलिए उससे छुटकारा पाओ। और उससे छुटकारा पाने के लिए जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो उसके बाद उसकी प्रक्रिया बताई। अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयुक्तोयम, इस राग द्वेष के पीछे जड़ में क्या है? तो उसके जड़ में कामना है, काम है, और यह दुरासद काम, इससे तुझको पार पाना है तो उसके लिए टेक्निक बता दी भगवान श्री कृष्ण ने। तीनों में उसका अधिष्ठान है, इंद्रिय मन बुद्धि। इसलिए आदौ इंद्रियाणि नियम्य, पहले इंद्रियों को नियम्य करो, नियमित करो, उनको डिसिप्लिन करो। इसलिए अपने रूटीन को फिक्स करो, अपनी दिनचर्या को पक्का करो, अपने समय को, इंद्रियों को समय में बांध दो। सबसे पहले उनके बांधने की जगह है समय। इसलिए इंद्रियों को नियमित करो, खाने का समय तय, देखने का समय तय, सारी चीजों का समय तय। इंद्रियों को नियमों में बांध दो तो उन इंद्रियों के अंदर से राग द्वेष समाप्त हो जाए, नियम से जब चलने लगेंगे तो। और दूसरा उसका तरीका बताया था शारीरिक अनुशासन उनको लगाना, तो डंडा मारना पड़ता है इंद्रियों को, क्या ग्रहण करेंगे
क्या नहीं करेंगे, कितना करेंगे, किस मात्रा में करेंगे, उस इंद्रियों के आहार को और कर्मेंद्रियों के कर्म को, इसलिए उनको भी व्यायाम देना बहुत जरूरी है। कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों का व्यायाम, कर्मेंद्रियों का आहार, कर्मेंद्रियों का विश्राम, वैसे ज्ञानेंद्रियों का व्यायाम, ज्ञानेंद्रियों का आहार, ज्ञानेंद्रियों का विश्राम, आहार व्यायाम विश्राम, ये तीन चीजें जिसके जीवन में व्यवस्थित होती है उसका जीवन नियमित तो होता है। वो इंद्रियों को जैसे कठोपनिषद में उदाहरण देते हैं, तो कठोपनिषद में इंद्रियों को घोड़ा कहा है, रथ के घोड़े के समान है वो, और उस रथ के घोड़ों को यदि आपको नियंत्रण में रखना है तो उनको समय पर सारी चीजें करनी पड़ती है, और वो समय से जब किया जाता है तब वो घोड़े आपके नियंत्रण में रहते हैं। तो ये इंद्रिया आपकी व्यवसायात्मिका बुद्धि के रूप में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब लगेगी तब उन इंद्रियों को नियमित करने से ही वो काम होगा। इसलिए कहा आदो इंद्रियाणि नियम्य, शुरू में इंद्रियों को नियमित कर लो। और फिर दूसरा तंत्र उन्होंने बताया, दूसरा बताया परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो दूसरे अध्याय में बोला था उसी को उन्होंने फिर से कहा कि दूसरा तरीका ये है कि जो इस बुद्धि, इस मन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे जो है, जो नित्य शाश्वत स्थाणु अचल, ऐसा जो तुम्हारा सनातन पुरातन शाश्वत स्वरूप है, उस सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन के द्वारा उसको बुद्धवा, उसको जान करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके ही तुम इससे परे हो सकते हो। इसका सीधा सीधा अर्थ है अपने लक्ष्य पर सारी इंद्रियों की ऊर्जा को केंद्रित करने की क्षमता, अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को लक्ष्यगामी बनाना 24 घंटे, एक क्षण भी लक्ष्य से वो च्युत ना हो, ऐसा अपना जब प्रयास होगा तब वह राग द्वेष और काम हमारे बीच में नहीं आएंगे, और हम कर्मयोग का, यज्ञ कर्म का, नियत कर्म का, स्वधर्म कर्म का पालन कर सकेंगे। ऐसा ये तीसरा कर्मयोग का अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय भगवान श्री कृष्ण के खुद की वाणी से ही प्रारंभ हो रहा है। वो इसी कर्मयोग के आगे की बातें बताना शुरू करते हैं, और वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको मैं कितना महत्वपूर्ण ये ज्ञान दिया है, तुम इसको हल्के में मत लो, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है, ये हीरा है और तुम इसको समझ नहीं रहे हो, तुम इसको ध्यान से समझो। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं। हमने कहा था कि भगवान शब्द का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि जिसके पास भग है वो भगवान, जिसके पास बल है वो बलवान, वैसे वान मतलब है भग, तो भग क्या है, तो 6 शक्तियों को भग कहा गया, तो भगवान वो है जिसके पास ये 6 शक्तियां होती है। कौन सी 6 शक्तियां, तो वो 6 शक्तियां है ऐश्वर्य, धर्म, यश, यश यानी कीर्ति, मराठी में यश का अर्थ सफलता के साथ लिया जाता है, लेकिन यश का जो संस्कृत अर्थ है वो यश का अर्थ है कीर्ति, दूर दूर तक नाम, नाम का यश फैलना, तो इसलिए जिसके पास ऐश्वर्य है, जिसके पास धर्म है, जिसके पास यश है, लक्ष्मी है, वैराग्य है और मोक्ष है, ये 6 जिसके पास एक साथ है, ऐश्वर्य है अलग बोला, लक्ष्मी अलग बोला, ठीक है, ऐश्वर्य का अर्थ बताया था हमने दूसरे अध्याय में भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति इस श्लोक के समय में, ऐश्वर्य का अर्थ है बाहर दिखाने की वृत्ति, दिखावा, तो इसलिए भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान का ऐश्वर्य ये भोग को दिखाने की, भोग की क्षमता को दिखाने का ऐश्वर्य नहीं है, अपनी दैविक क्षमता को वह प्रकट करता है, इसलिए इसके उसके होने मात्र से ही वह अपने आप को ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहता है। जो भगवान है जिसके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य नाम का भग जिसके पास में है, उसके होने से, अपने संपर्क में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके होने मात्र से ही उत्साह आता है, जिनकी उपस्थिति से उत्साह होता है, ऊर्जा होती है, वो कुछ अतिरिक्त ऊर्जा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, आलोकित करते हैं, इसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य अलग का, लक्ष्मी अलग का, लक्ष्मी का अर्थ है, लक्ष्मी का अर्थ है सारा वैभव, सारी प्रकार की अष्टलक्ष्मी हमारे यहाँ पर कही गई, 8 प्रकार की लक्ष्मियां कही गई, धनलक्ष्मी भी है उसके अंदर, और उसके अंदर बुद्धि की भी है, विद्या की भी है, सारे प्रकार की लक्ष्मियां, ऐसी वो महालक्ष्मी जिसके पास में है, यश भी है, धर्म भी है, यश का क्या उपयोग होता है, कीर्ति का क्या उपयोग होता है, भगवान को किस लिए चाहिए कीर्ति, भगवान का नाम चारों तरफ हो, यश हो, ये किस लिए होता है, यश का जो उपयोग होता है वह उपयोग होता है यश के द्वारा आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों के जीवन में परिणाम ला सकते हैं। इसलिए
जब विभूति योग में जाकर के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, तब वो बताते हैं कि नारी के अंदर ये बहुत होता है। वो भगवान श्री कृष्ण कहते अपने दैवी गुण बताते, 6 दैवी गुण बताते जो नारी के अंदर विद्यमान होते हैं। कीर्ति श्रीश्च वाक नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा, इतने रूपों में मैं नारी के अंदर होता हूँ। इसलिए उस कीर्ति के कारण, उस यश के कारण महिलाओं का प्रभाव समाज पर अधिक होता है। स्वामी विवेकानंद ने बहनों और भाइयों बोला था शिकागो में, भाइयों और बहनों नहीं बोला था। तो उनको पूछा, भगिनी निवेदिता ने पूछा, जो उनकी बड़ी निकट शिष्या थी, मानस पुत्री थी, तो इसलिए वो स्वामी जी को कई सारी बातें पूछ सकती थी, उनके संबंध बहुत ही अलग थे। तो उन्होंने स्वामी जी को पूछा, वो आपने गलती से बोल दिया था। वो कहती, स्त्री दाक्षिण्य का जो भारतीय स्वभाव है, महिलाओं को महत्व देने का जो भारतीय स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण महिलाओं का पहले नाम निकल गया था, या उसके पीछे आपका कोई हेतु था? तो स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं, आने वाली शती या मातृशक्ति की शताब्दी होगी। आने वाली शताब्दी में मातृशक्ति ही समाज को प्रभावित करेगी। और उसको बताते थे मैं, स्वामी जी बताते, क्योंकि उनका जो यश है, उस यश के कारण वो समाज को परिवर्तित करने का काम अधिक सहजता से कर सकती, अधिक अच्छी तरह से कर सकती। तो यश उसके लिए, खुद का नाम हो इसके लिए नहीं, यश होता है ये भगवान की शक्ति है, जिस शक्ति के कारण भगवान की बात मानता है आदमी, भगवान के यश के कारण दूसरा व्यक्ति उसकी बात मानता है, इसलिए वो यश भी महत्वपूर्ण है। धर्म वैराग्य और मोक्ष, ये 3 तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन तीनों में जो भेद है उसको केवल समझना। धर्म का अर्थ है धारण करने की क्षमता, जोड़ने की क्षमता, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, समाज को, समष्टि को साथ में रखने की क्षमता, ये भग, ये धर्म का भग है, धारण करने का भग, ज्यादा से ज्यादा धारण करने की जो क्षमता है वो भगवान की क्षमता है। वैराग्य का अर्थ है वो किसी में राग या द्वेष नहीं है। वैराग्य का अर्थ है राग से परे, विशेष राग, मतलब सबके अंदर वो उसी निर्लिप्तता से सबके साथ में रह सकता है, ऐसा उनके पास में वैराग्य है। और मोक्ष का अर्थ है वो मुक्त है, वो इसमें लिपटा हुआ नहीं है, इस सारे से परे। ये भगवान के, ये कृष्ण के अंदर, ये जीवन में ये सारी बातें हमको दिखाई देती है। कृष्ण ने अपने यश का प्रयोग किया, अपने यश का उपयोग किया, उस यश को बचाए रखने के लिए भी बहुत सारे काम किए। आप बताइए, पौंडरक वासुदेव का वध किया है कृष्ण ने। पौंडरक वासुदेव की कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। पौंडरक वासुदेव नाम का एक राजा था, पौंडरक राजा था, वो भी वृष्णिवंशी था, वासुदेव था, वसुदेव का पुत्र था, उसके पिता का नाम भी वसुदेव था, तो इसलिए वो वासुदेव था। इसलिए वो कहता था, मैं ही सच्चा वासुदेव हूं, ये कृष्ण तो नकली है। जो वसुदेव का पुत्र, देवकी का पुत्र कृष्ण है, बलराम का भाई कृष्ण है, वो तो नकली है, सच्चा वासुदेव तो मैं ही हूं। इसलिए उसने अपने नाम के साथ लगाना शुरू किया, पौंडरक वासुदेव। और वैसे ही वो पीताम्बर पहनने लगा, वैसे ही मोर मुकुट पहनने लगा, गले में नकली कौस्तुभ बना करके लगा लिया, सारा कृष्ण जैसा पूरा नकल करता था, परफेक्ट नकलची, इतने बढ़िया ढंग से। आजकल हमको समाज में बहुत सारे पौंडरक वासुदेव मिलते हैं, सारा समाज ही पौंडरक वासुदेव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम नकल करने में अकल की जगह नकल कर दे, तो वो पौंडरक वासुदेव सारा धारण करके नकली सुदर्शन चक्र भी बना लिया उसने, सब कुछ, सारी वेशभूषा। अब वो युद्ध में कृष्ण को ललकारता है और कृष्ण उसका वध करता। जब मैंने वो पढ़ा तो मेरे मन में आया कि उस बेचारे के ऊपर तो दया करनी चाहिए थी, मूर्ख आदमी, हंसना चाहिए था उसके ऊपर, नकलची है, उसको मारने की क्या जरूरत है। तो जो ललकारता है, जो आह्वान देता है, उसका नाश करना इसलिए आवश्यक है, यश बना रहना चाहिए। यश बना रहेगा तो कृष्ण का प्रभाव रहेगा, यश नहीं बना रहेगा तो 10 पौंडरक वासी जो तैयार हो जाते और नकली माल चल पड़ता। इसलिए कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पौंडरक वासुदेव को मारा। शिशुपाल को भी किसने मारा? बोलने के लिए तो मारा ना, गाली देने के लिए तो मारा है ना। शिशुपाल ने क्या किया था? शिशुपाल ने ऐसा तो कोई बहुत बड़ा अपराध किया नहीं था। कृष्ण के देवत्व को ललकारता था, वो कृष्ण के अवतार होने को ललकारता था और कृष्ण को गाली देता था। अपनी बुआ का लड़का है और उस बुआ के लड़के के बारे में बुआ को वचन दे दिया कि इसकी 100 गालियां मैं माफ कर दूंगा।
इसलिए हम लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं सारी बात को क्रिटिकली देखने की आदत थी, तो मैं कहता था कि ये 100 के बाद में भी क्यों आ रहा है, इसने गाली तो दे रहा था, कर क्या रहा था, और तो कुछ कर नहीं रहा था, उसने कोई आक्रमण भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। उस राजस्वी यज्ञ के बीच में जिस समय भीष्म ने कहा कि प्रथम पूजा का मान कृष्ण को दिया जाना चाहिए, और इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण की पाद्य पूजा पहले की, तब शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया कि ये है कौन, ना कहीं का राजा है ना कुछ है, गायों को चराने वाला गोपाल है, और इसको तुम पाद्य पूजा का मान दे रहे हो, इतने सारे महान लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इतने सारे महान ऋषि बैठे हुए, इतने सारे महान राजा बैठे हुए, पराक्रमी वीर बैठे हुए, और इनके और कह के उसने गालियां देना शुरू किया। और तब कृष्ण ने कहा मैं गिन रहा हूं तुम्हारी हो रही है 90 पूरी हो गई, 91 92 तो बोलता रहे तू, और 100 पूरी हो गई तो उसको उड़ा दिया। कल्पना कीजिए इसकी क्या आवश्यकता थी, कृष्ण का कोई काम निरर्थक नहीं है, कृष्ण एक पूरी योजना से सारे जीवन में चले हैं, जहां पर उनको आवश्यक लगा कि अपने ऊपर लांछन लेना है उन्होंने लांछन भी लिया है, लांछन लेने में भी पीछे नहीं रहे। एकमात्र ऐसा भगवान होगा जिसके नामों में और जिसके विशेषणों में उल्टी बातें लगी हुई है, माखन चोर, बड़े गर्व से कहते हैं माखन चोर, अरे चोरी करने वाले को तुम कह रहे हो चोर, उसने लांछन से भी वो डरा नहीं है, लेकिन उसने अपने यश को बनाए रखा। रणछोड़ दास, मैं जब गुजरात में जाता था बार बार, तो गुजरातियों के साथ में जब बात होती थी, मैं उन गुजराती लोगों को कहता था तुम्हारे अंदर का पराक्रम इसीलिए चला गया क्योंकि तुम उस रणछोड़ दास की पूजा करते हो, सारे पलायन करने वाले हो गए, अपने अंदर का गौरव निकालो, अपने अंदर का पराक्रम निकालो तो तुम्हारे अंदर से भी, और नरेंद्र मोदी ने कर दिया, उनके अंदर का पराक्रम निकाल दिया तो गुजरात ने अपना पराक्रम निकालना शुरू कर दिया। रणछोड़ दास, रण में से भाग जाना, उस लांछन को भी कीर्ति बना दिया कृष्ण ने। इसलिए यश की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े रखना, इसलिए उसको जोड़े रखने के लिए उसने खुद ने कितना त्याग किया अपने जीवन में, सारा का सारा त्याग समष्टि को जोड़े रखने के लिए किया, जहां रहा उसने समाज को जोड़ा, गोकुल में रहा तो गोकुल में समाज को जोड़ा, वहां पर पहुंचा मथुरा में, कंस को मारने के बाद में कौन उसको रोक रहा था राजा बनने से, कृष्ण को राजा बनने से कौन रोक रहा था, उल्टा सब लोग मथुरावासी कह रहे थे, उसके सामने आकर के कह रहे थे तुम्हें हमारे राजा बन जा, पर वो राजा नहीं बना, उसने कंस के पिता को राजा बनाया कृष्ण ने, क्यों, समाज को जोड़ना। 17 बार जरासंध से लड़ाई हुई मथुरा के अंदर, कृष्ण का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है सारा, और 17 बार लड़ाई में हर बार जरासंध पराभूत होकर के वापस किया, इसलिए डर के नहीं भागा है, समाज के भले के लिए भागा। जरासंध का बैर तो मेरे से है, मथुरा के लोगों से तो कोई बैर ही नहीं है, उग्रसेन का तो वो रिश्तेदार है, तो इसलिए उग्रसेन के विरुद्ध तो वो नहीं लड़ेगा, वो केवल मेरे कारण लड़ रहा है, इसलिए भाग गया, इसलिए वहां से भाग गया, इसलिए रणछोड़दास बना, समाज की धारणा के लिए रणछोड़दास बना, समाज के आत्म तत्व को जानने के लिए, जगाने के लिए माखन चोर बना। माखन चोरी करने में समरसता का और समाज को खड़ा करने का, आत्मबल को खड़ा करने का जितना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन कृष्ण ने किया है गोकुल के अंदर, कि ये हमारे बच्चों को जो माखन मिलना चाहिए, जो दूध दही हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वो सब तुम बाहर भेज रहे हो, तो इसलिए FDI का पहला विरोध करने वाला तो कृष्ण था, स्वदेशी का पहला प्रवक्ता तो कृष्ण था, उसने स्वदेशी की व्याख्या माखन चोर के रूप में की, ऐसा वो भगवान है। इसलिए उसके पास में धर्म है, वैराग्य है, वैराग्य तो उसका इतना मस्त है, जहां छोड़ दिया वापस गया ही नहीं, गोकुल में प्रेम का इतना रास रचाया, सारे गोकुल को पागल कर दिया, और जब मथुरा पहुंचा कंस को मारने के लिए, उसके बाद मुड़ करके गोकुल गया ही नहीं है कभी, और ऐसा अद्भुत वैराग्य कहीं पर भी जहां भी है अद्भुत वैराग्य उसके अंदर, इसलिए वैराग्य की कमी नहीं, मोक्ष तो था ही, ऐसे 6 भग उसके पास है, इसलिए वो भगवान है। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहा है कि काल के प्रारंभ में यह जो योग है, यह योग में सूर्य ने, मैंने सूर्य को बताया अहम अव्ययम, यह अव्यय योग कभी खत्म न होने वाला, कभी खर्च न होने वाला अव्ययम योगम प्रोक्तवान अहम विवस्वते, सूर्य को मैंने बताया, विवस्वान सूर्य को मैंने बताया, उस विवस्वान ने अपने पुत्र
वैवस्वत मनु को बताया, विवस्वान मनवे प्राह बोल के बताया, समझाया, सिखाया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया और उस इक्ष्वाकु के वंश में ये सारे अज दिलीप आदि राजा होते होते प्रभु रामचंद्र आदि, ये पूरा वंश इक्ष्वाकु वंश ही है। जिन राजाओं ने अपने जीवन में इस कर्मयोग का पालन किया और इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसा ये जो परंपरा से प्राप्त है योग, यह राजर्षियों ने जाना, विदुहु अपने जीवन में उतारा अच्छी तरह से। विदुहु मतलब है विद्या, जिसके पास आ गई, जिसने जान लिया, इसने समझ लिया, जान लिया, जिसको ज्ञान हो गया उसको विद्वान कहते। कल हमने ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझा था। यदि आज की आधुनिक भाषा में यदि समझना है तो ज्ञान यानी साइंस, ज्ञान यानी तत्व है और विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी है, उस तत्व का एप्लीकेशन, उस तत्व को कैसे काम में लेंगे वह है। जो जीवन में ज्ञान और विज्ञान दोनों जिसके आ जाता है वो विदु हो जाता है। तो राजर्षियों ने इस कर्मयोग को जाना, समझा, आचरण में लाया वर्षों तक परंपरा से। ये बहुत बड़ी विशेषता सनातन धर्म की है। सनातन धर्म ने आध्यात्मिक तत्वों को परंपरागत बना दिया, परंपरा में ढाल दिया। ये विज्ञान में जीवन, विज्ञान में धर्म की ये विशेषता है, हमने उसको परंपरा के रूप में आरूढ़ कर दिया। ये आध्यात्मिकता का सामाजिकीकरण है। बहुत बड़ी एक गलतफहमी है कि अध्यात्म तो व्यक्तिगत होता है, साधना तो प्रत्येक को अपनी अपनी करनी होती है। बात तो सही है, ध्यान का अभ्यास हम सब मिलकर के भी करेंगे तो प्रत्येक की अनुभूति अपनी अलग ही होगी, वो अनुभूति दूसरे की नहीं हो सकती जो अनुभूति अपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस कारण से सबको लगा कि वो अध्यात्म तो केवल व्यक्तिगत होता है, नहीं, सनातन धर्म में अध्यात्म को सबकी खाती बना दिया, सबके लिए उसको परंपरा के रूप में रूढ़ कर दिया। जैसे हमने उदाहरण देखे थे कि पैर छूने से पहले पृथ्वी माता से हम क्षमा मांगते हैं सुबह उठते ही, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादः स्पर्शम क्षमस्व मे। यह कितना बड़ा अध्यात्म है जो जीवन में हमने ढाल दिया, छोटी सी बात में ढाल दिया। कराग्रह वसते लक्ष्मी कहती, छोटी सी बात में ढाल दिया। हर छोटी सी छोटी बात में बड़े से बड़े विज्ञान को, अध्यात्म को हमने अपने जीवन में ढाल लिया। कैसे रूप में? परंपरा के रूप में। ये परंपरा है जो बुद्धि भेद किए बिना समाज के अंदर ज्ञान को प्रतिष्ठित करती है। वो प्रत्येक से अपेक्षा नहीं करती कि तुम प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान को समझो, आज भी कोई अपेक्षा नहीं करता। आज के युग में भी आप में से अधिकतर लोग मोबाइल प्रयोग करते हैं, उस मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी आपको पता है क्या? वो वायरलेस मोबाइल कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसका सर्किट कैसे होता है और किस प्रकार से वह ध्वनि आपके मोबाइल में आती है। आप किसी को लगाते हो, यहाँ आप बोल रहे हो और वो कहीं दूर 1,000, 2,000, 1,500 किलोमीटर दूर है, और उसके पास वो आवाज़ कैसे जा रही है, आपकी आवाज़ किस बात में कन्वर्ट हो रही है, किस बात में कन्वर्ट होकर के वहाँ पहुँच रही है, वहाँ उसको कैसे मिल रही है, किस प्रकार से वो टावर काम कर रहा है, किस प्रकार से वो टावर सैटेलाइट तक जा रहा है, कुछ भी हमको पता है क्या? कुछ नहीं पता। तो आपको ज्ञान ही नहीं है मोबाइल का, मोबाइल के अंदर कौन से सर्किट इस्तेमाल होते हैं ये पता नहीं, उस सर्किट का किस प्रकार से उसको जोड़ा जाता है और कितने बड़े बड़े सर्किट्स को एक करके और छोटा सर्किट बनाया जाता है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन कहते हैं सर्किट्स का। और वो ये कुछ नहीं पता, और कुछ नहीं पता तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते, ज्ञान नहीं है तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते। कितनों को पता है कैमरा कैसे काम करता है, कितनों को पता है टीवी कैसे काम करता है, और अभी ये इतना मोटा टीवी है और अभी हमारे पास पतले से टीवी आ गए, कैसे हो गए ये, इतने मोटे से पतले कैसे हो गए, वो कैथोड रे ट्यूब चली गई और उसके जगह दूसरा क्या आ गया, फिर उसको क्यों नहीं चाहिए जगह, कुछ नहीं पता हमको। हमको इस विज्ञान से कोई लेना देना भी नहीं, हमको तो दबाने से लगता है बस। क्या धर्म भी अध्यात्म भी ऐसे ही सहज होकर के लोगों के बीच में जा सकता है क्या? हमारे ऋषियों ने वो टेक्नोलॉजी विकसित की, वो इससे भी कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। बिना आपको कोई साधना किए, बिना योग किए, बिना अष्टांग योग किए, बिना धारणा ध्यान समाधि में ध्यान दिए, बिना सैकड़ों वर्षों तक जप किए, बिना गुफा में गए, बिना वैराग्य के जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया उसको परंपरा के रूप में आपके बीच में डाल दिया,
कितना जबरदस्त ऋषियों ने काम किया, ऐसी अद्भुत जीवन शैली विकसित हुई, इसलिए यह धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ है न आदि है न अंत है, समय से परे है, ये कभी मिट नहीं सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस के देव के बारे में बहुत लोग ये प्रचारित करते हैं कि उन्होंने इस्लाम की भी साधना की और ईसाइयों की भी साधना की और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे भगवान तक पहुंच गए। ये अर्ध सत्य है, उन्होंने साधना तो की, इस्लाम की भी साधना की और ईसाइयत की भी साधना की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा ये भी हिंदू धर्म के बराबरी के धर्म है। उन्होंने कहा इसमें भी कुछ होता है, ये कहा इससे भी हो सकता है इतना, लेकिन उसकी परिणति तक इन्हें तक वो रुके नहीं। उन्होंने डर के मारे आधे में छोड़ दिया है दोनों की दोनों साधना। वो कहते हैं जब मैं इस्लाम की साधना कर रहा था तब मेरे को गोमांस खाने की इच्छा होती थी, तब मेरे को माँ के मंदिर की तरफ जाने से वितृष्णा हो गई थी, मैं उधर देख करके मेरे को लगता था माँ की मूर्ति तोड़ दूँ, और ये जिस दिन मन में विचार आया उस दिन मैंने तय किया कि आज के बाद मैं इस्लाम की साधना नहीं करूँगा। ये रामकृष्ण परमहंस ने बताई हुई सच्चाई है, ये उनके वचनामृत में लिखा हुआ है। ऐसे ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे ये अधूरे हैं, लेकिन वो कोई नहीं बता, हम सहिष्णुता का प्रवचन देने के चक्कर में उसको भूल जाते। रामकृष्ण परमहंस ने वचनामृत में तीन जगह पर सीधे सीधे कहा है, बाकी सारे उपासना की पद्धतियां, बाकी सारे संप्रदाय, बाकी सारे मत धर्म मिट जाएंगे, केवल हिंदू धर्म बचेगा, यही एकमात्र सनातन धर्म है। तीन जगह पर लिखा है, तीन बोला है। एक बार वो गए थे मारवाड़ियों के उत्सव को देखने के लिए, मारवाड़ियों का कोई उत्सव था और उसको वो देख रहे थे पालकी उठा करके, और वो एकनाथ जी की वो पुष्टि मार्गी जो होते वो एकनाथ जी की मूर्ति की पालकी निकाल रहे, और बड़ा वैभव और सोने की पालकी है और चांदी के चवर ढल रहे, और वो सारा वैभव देखा उन्होंने, और रामकृष्ण की समाधि लग गई, और उनके वो साथ में उनके जो गृहस्थ शिष्य थे दो तीन वो उनके साथ में थे, वो उनको कहते देखो कितना जबरदस्त ये उत्सव है, ये उत्सव है ना, देखो कितना वैभव का प्रदर्शन हो रहा है, ये कभी नहीं मर सकता, ये राजस्थान के अंदर कितने औरंगजेब ने अत्याचार किया लेकिन ये वैभव नहीं मिटा, ये मारवाड़ी देखो कितना सुंदर ढंग से उत्सव कर रहे, पता है क्यों? क्योंकि यही एकमात्र सनातन धर्म है, यही कभी ना मिटने वाला धर्म है, ये हमेशा जीवित रहेगा, सब चले जाएंगे यही बना रहे। उसका कारण है परंपरा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परंपरा, इमं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त किया गया। परंपरा वह होती है जब व्यक्ति व्यक्ति को देता है, टेक्नोलॉजी के रूप में देता है, ऐसा स्टैंडर्डाइज कोई इंस्ट्रूमेंट बना करके दे देता है, पिता पुत्र के कान में कहता है तू रोज रोज 8 बार 9 बार 11 बार गायत्री मंत्र का जप किया कर, पुत्र को पता नहीं है गायत्री मंत्र का अर्थ भी क्या है, उसको भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ नहीं पता, सविता देवता कौन है ये नहीं पता, वो सूर्य से ऊर्जा मांग रहा है ये नहीं पता, पिता को भी नहीं पता होगा, पुत्र को तो छोड़ो, क्योंकि वो भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पता नहीं दिया, लेकिन परंपरा प्राप्तम बचा रहा। जिस समय में औरंगजेब के और अत्याचार चल रहे थे उस समय आप अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे, उस समय कैसे बचाया होगा, कैसे इन लोगों से बचाया होगा। सिकंदर के समय उसके जो साथी था वो कश्मीर की कहानी आती है, कश्मीर में नागभट्ट नाम के बहुत बड़े विद्वान थे, वेद के वेद पाठी थे, और उधर से अरस्तु ने कहा था कि मेरे लिए उसका ये लेकर के आना, वेद लेकर के आना, तुम भारत जा रहे हो तो वो वेद मांगने के लिए गया, किसके पास मिलेंगे, वेद की संहिता नहीं दी किसी ने उसको, उन्होंने कहा ये लेंचों को हम नहीं देते, दूसरों को हम, यमनों को हम नहीं देते, बोले होगी तो तुम्हारे घर में, लोगों ने यज्ञ में यज्ञ करके और पोथिया जला दी और उसको नहीं दी, नहीं देंगे हमारे वेद, हम रक्षा करेंगे, हम उन वेदों की रक्षा करेंगे, लोगों ने छिपा दिए, जंगलों में ले जा करके रख दिए, कहाँ कहाँ ले जा करके रख दिए, ऊपर के नाम बदल करके रख दिए, उसको समझ में नहीं आए इसलिए, और इस तरह से वेदों को बचाए। वो नागभट्ट के पास पहुंचा, लोगों ने कहा कि नागभट्ट से मिल जाएगा, नागभट्ट तुमको दे देंगे, नागभट्ट ने कहा, नागभट्ट के पास पहुंचा, सांझ ढलने के समय पहुंचा और उनके चरण स्पर्श किए और नागभट्ट ने उसको आशीर्वाद दिया, और उसने आशीर्वाद देते उसने कहा, उनके साथ में जो एक ब्राह्मण था जो उसको नागभट्ट के पास लेकर के गया था, बोला ऐसा कोरा आशीर्वाद क्या फायदे का, नहीं नहीं बोले तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, नागभट्ट ने कहा। ये नागभट्ट से बुलवा लिया कपट से, और फिर नागभट्ट ने आंखें खोली तो उसने कहा कि वेद दे दो, चारों वेदों की संहिता मुझे चाहिए। नागभट्ट ने कहा ठीक है, चारों वेदों की संहिता मैं दे दूंगा, आज का मुहूर्त थोड़ा ठीक नहीं है, सूर्यास्त हो गया है, तुम ऐसा करो परसों के दिन आओ,
तीन दिन बाद उसको बुलाया और तीन दिन बाद मैं तुमको वेद दे दूं। और उसी समय जैसे वो चला गया, नागभट्ट ने अपने 12 वर्ष के पुत्र को बुलाया, यज्ञ की वेदी जलाई, अग्निहोत्र जो घर में जलता था उसी में से अलग एक वेदी जलाई, नागभट्ट लेकर के बैठा अपने पुत्र को, 12 वर्ष के पुत्र को, वेद की एक एक ऋचा उसको याद कराता। और वो एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी कुछ होगा, दो बार पढ़ने से ही याद होने वाला ऐसा मेधावान पुत्र होगा। उस समय की वो तकनीकें थी इसी प्रकार की मेधा थी, एक बार बोलते थे और अगले को याद हो जाता था। उसने उसकी वेदों की संहिता एक ऋचा उठाता, एक भुर्ज पत्र उठाता, उस पर दो ऋचाएं तीन ऋचाएं जो होगी वो पुत्र को याद कराता, पुत्र को कहता बोल, पुत्र को याद हो गई, वो स्वाहा कर देता यज्ञ में। चारों वेद उसने तीन दिन में पुत्र को याद करवा करके और जला दिए। जब तीसरे दिन नियत समय पर जब सिकंदर पहुंचा तब उसने कहा कि हाँ मुझे अब वेद दे दो। इसने अपने पुत्र को आवाज लगाई, आओ इधर। उन्होंने कहा ये चार वेद है, तुम ले जाओ। सिकंदर कहता है संहिता? बोले संहिता यही है, इसको याद है चारों वेद, तुम्हारे गुरु को चाहिए ना, ये जाएगा पूरे चारों वेद बोल देगा, बाद में तुम लिख लेना, प्रिंट कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मैं संहिता नहीं दूंगा तुमको, मैं तुमको पुत्र दे सकता हूँ, वेद नहीं दे सकता। कैसे रक्षा की है लोगों ने, इस परंपरा ने हमारे हिंदुत्व की रक्षा की है। लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा, प्राण त्याग दिए, धर्म नहीं छोड़ा। मैं जब राजस्थान में था तब जिनको अपन मेहतर कहते हैं, सफाई करने वाली जो जाति है भंगी, राजस्थान में सबसे पहले मैला ढोने वाली परंपराएं शुरू हुई। भारत में मैला ढोने वाली परंपरा औरंगजेब से पहले नहीं थी, अकबर से पहले नहीं थी, मैला ढोने की परंपरा नहीं थी, उसके बाद में मैला ढोने की परंपरा शुरू हुई और जो अभी अंग्रेजों के समय तक चली। और इसलिए हमको बताया जाता है कि हमने अपनी ऊंची जातियों ने नीची जातियों से मैला ढोला। ऐसे मेला ढोने वाले उस समय भी ढो रहे थे जिस समय मैं था, और ऐसे लोगों की बस्ती में हमने कुछ कार्यक्रम लिए थे, उनके साथ में बातचीत कर रहे थे। सबके नाम मैं पूछता, जिसके नाम पूछता तो कोई चौहान, कोई राठौड़, कोई सोलंकी, तो मैंने वो कमल सिंह चौहान जो उनका सबसे बड़ा उनका नेता था, जो अपना कार्यकर्ता था, जिसके कारण हम उसके बीच में काम करते थे, तो मैंने उसको पूछा कमल सिंह चौहान को, हो तो तुम मेहतर, हो तो तुम वाल्मीकि समाज से, और तुम्हारा नाम चौहान कैसे, ये तुमने चौहानों से चुरा लिया क्या किया, या उनको नाक चढ़ाने के लिए किया क्या? तो उसने कहा मैंने कुछ कुछ सुना तो है पर पूरा पता नहीं, मैं आपको दादाजी के पास ले जाऊंगा, वो हम उसके गांव गए एक बार समय निकाल करके, और उसके दादाजी ने बताया, उसके दादाजी ने कहा कि हम सारे के सारे क्षत्रिय थे और हमने धर्म परिवर्तन को मना कर दिया कि हम इस्लाम को नहीं ग्रहण करेंगे, तो हमको कहा गया तुम इस्लाम को नहीं ग्रहण करोगे तो तुमको मैल ढोना पड़ेगा, तुमको उन गंदी जातियों में जाना पड़ेगा, तुमको हम गंदा कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। हमारे पूर्वजों ने मैल ढोना स्वीकार किया लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। ये परंपरा की ताकत है, परंपरा मनुष्य में ये ताकत देती। इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि ये हमसे भी महान लोग है, इसलिए उनको कहा ये महान नहीं, महान से भी बड़े, इसलिए उनका नाम बना महत्तर, महान से भी बड़े। तरतम होता है ना, सबसे महानतम, महानतम, महान से बड़े महत्तर, वो महत्तर बदल करके मेहतर हुआ। आज हम मेहतर मेहतर करते हैं लेकिन वो हमसे बड़े हैं, ये कुछ वर्षों तक, ये वो परंपरा की ताकत है। ऐसे बचाया गया इस धर्म को, कितने अत्याचार हुए होंगे। एक बहुत बड़े स्वामी हैं, वो रामायण पर अभी प्रवचन करते हैं, सन्यासी, सन्यास ले लिया, गृहस्थी थे अब सन्यास ले लिया। मूल से उनका शरीर जो है वो मुस्लिम है, पैदा मुस्लिम है, राजेश खान उनका नाम था, और बचपन में ही 12-13 साल की उम्र में ही उनको रामायण का चस्का लग गया, रामचरितमानस का, तुलसीदास जी अंदर अवतरित हो गए और रामायण, और माँ ने भी बढ़ावा दिया और खूब रामायण को याद किया। 15-16 साल के थे तब तो रामायण पर प्रवचन देना, रामायण गा के सुनाना पहले शुरू किया, फिर प्रवचन देना शुरू किया, तो फिर राजेश खान से नाम बदल करके राजेश रामायणी नाम हो गया, फिर राजेश रामायणी से अब राजेश्वरानंद नाम है। और ग्वालियर के पास में एक जोरा करके स्थान है, वहाँ के हैं मध्य प्रदेश के, वहीं पर उनका आश्रम है, इसलिए बड़े करीब से हमारा संपर्क आया और बहुत अच्छे से मैंने, उन्होंने एक भास्कर में, भास्कर के पत्रकार ने उनका इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में जैसे पत्रकार पूछते हैं, इनको पूछा मुसलमान होते हुए तुमने ये रामायण क्यों करते, तो उन्होंने उत्तर दिया कि शरीर मुसलमान मेरा होगा लेकिन
पता नहीं पूर्व जन्म का क्या हूँ। और फिर आगे की बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा मैं 13 साल का था तब मेरे को रामायण का चस्का लग गया और माँ ने बढ़ावा भी दे दिया, लेकिन मैं अपने मन में यही प्रश्न पूछता था कि मुसलमान के घर में पैदा होकर के रामायण का चस्का कहाँ से लगा। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं अपनी जड़ों को खोजूं, और फिर मैं जब बड़ा हुआ युवावस्था में गया तो मैं अपनी जड़ों को खोजता हुआ पहुँचा और मैंने अपने दादाजी को पूछा, फिर उन दादाजी से और किसी कुल के बड़े व्यक्ति को पूछा, पूछते 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 मैं अपने पूर्वजों तक पहुँचा। और जब मैं पूर्वजों तक पहुँचा तो मुझे पता चला 23 पीढ़ी पूर्व हम अलवर जिले में एक गाँव में रहने वाले ब्राह्मण थे और 23 पीढ़ी पूर्व हमारे परिवार के किसी का धर्मांतरण हुआ और उसके बाद हम मुसलमान हो गए। उसके आगे की जो बात राजेश्वरानंद जी ने कही वो आंखें खोलने वाली है। उसके आगे की बात वो कहते हैं, जब मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, जब मेरे को ये जड़ पता चल गई कि मैं ब्राह्मण के घर का था, तब मैंने बाद में अपने आप से प्रश्न पूछा जो मेरे 23 पीढ़ी पूर्व जो पूर्वज थे उन्होंने क्या हंसी खुशी हिंदू धर्म का त्याग करके इस्लाम को ग्रहण किया होगा? क्या इस्लाम इससे ज्यादा महान है ऐसा मान करके किया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे अंदर से उत्तर आया, न जाने कितने अत्याचार हुए होंगे, माँ बहनों की आबरू को बचाने के लिए, शील को बचाने के लिए शायद उनके आंखों के सामने अत्याचार किए गए होंगे। इसलिए या तो भय से अथवा अत्याचारों से बचने के लिए बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना धर्मांतरण किया होगा, मत परिवर्तन किया होगा और इस्लाम स्वीकार किया होगा। उसके आगे का वो कहते हैं, तब मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, हे राजेश, तू उन लोगों का साथ देगा जो तुम्हारे पूर्वज थे या उन लोगों का साथ देगा जिन्होंने बाहर से आकर के उन पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन किया? वो कहते हैं, मैं आज भारत के प्रत्येक मुसलमान को पूछता हूं, क्या तुम अरब से आए थे? क्या अफगान रक्त तुम्हारे अंदर बह रहा है? तुम्हारी भी तो कोई 15वीं पीढ़ी 16वीं पीढ़ी 23वीं पीढ़ी हिंदू रही होगी, और क्या वो हंसते हंसते उसने इस्लाम को ग्रहण किया होगा? तो तुम अपने पूर्वजों का साथ दोगे या आक्रांतों का साथ दोगे? ये उन्होंने प्रश्न पूछा। ये परंपरा है जिस परंपरा ने हमको जीवित बचाया है, उस परंपरा को यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, इमं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः, इस योग को परंपरा से प्राप्त करके राजर्षि ने जाना। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, जिसको पहले श्लोक में अव्यय कहा, दूसरे श्लोक में काल की महता बताते हुए उसको नष्ट होना बताया। अर्जुन ने इस विरोधाभास पर प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन यह विरोधाभास समझने जैसा है। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये योग अव्यय है, कभी खत्म नहीं होता, ऐसा अव्यय योग मैंने विवस्वान को बताया था, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, ऐसे परंपरा से आया। सकाले ने हम महता, काल के महता से, काल की महता से वो नष्ट हो गया, जो आज मैंने तू मेरा सखा है मेरा भक्त है इसलिए प्रेम से वह रहस्य तुमको बताया है जो काल से नष्ट हो गया था उसका मैंने पुनः, ऐसा कृष्ण कह रहे। लेकिन जो अव्यय है वो काल में नष्ट कैसे हो सकता है? ये काल की महता को अपन कल समझेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।